नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना प्रकोप को लेकर राज्य में दोबारा बंद हो सकते हैं स्कूल। राज्य के 9 जिलों में NYKS दे रही सरकारी नौकरी का मौका। ग्राम पंचायतों में होगी बंपर भर्ती। बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के लिए बनेंगे अलग कैडर। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। सरदार वल्लभ भाई नेशनल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने निकाली रिक्त। SVNIT सूरत ने 59 पदों पर आवेदन की मांग की है। इसके तहत सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, सिविल इलेक्ट्रिकल, SAS असिस्टेंट, लाइब्रेरी व सूचना सहायक, सीनियर व जूनियर असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट और फार्मासिस्ट के विभिन्न खाली पदों पर भर्ती लिए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय संस्थान से 10वीं 12वीं कक्षा, स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2021 है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.svnit.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। इस महीने लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। मार्च महीने के 15 दिन और शेष हैं और इस दौरान राज्य में भीषण गर्मी के आसार नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार महीने के अंत तक अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास रहने के आसार है। दरअसल इस महीने में अब तक 3 पश्चिमी विक्षोभ आ चुके हैं और इनकी संख्या और तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक रहने की वजह से इस महीने सूबे में गर्मी की स्थिति कम रही है, जबकि फरवरी में पश्चिमी विक्षोभ की कमी और प्रति चक्रवातों के अधिक रहने से समय से पहले ही वातावरण में गर्मी ला दी थी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक जैसे जैसे प्री मॉनसून सीजन आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही पश्चिमी विक्षोभ में कमी आती जाएगी। इसके साथ ही इसका बिहार व आसपास के राज्यों में प्रभाव भी कम पड़ता जाएगा। यही वजह है कि मार्च के बाद हवाएं गर्म होती जाएंगी और पछुआ हवा लू का रूप धारण करेंगी। कोरोना इफेक्ट के कारण 22 मार्च से दोबारा बंद हो सकते हैं स्कूल। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। इसके लिए सोमवार को राज्य में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ही अहम फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत अंतिम रूप से सहमति बनने के बाद 22 मार्च से स्कूल बंद किए जा सकते हैं। वहीं कल की बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन समारोह करने पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत सार्वजनिक रूप से होली मिलन के आदेश नहीं है, मगर घरों में होली मिलन पर कोई रोक नहीं रहेगी। वहीं बैठक में सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि केरल, पंजाब और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। यह व्यवस्था एयरपोर्ट के साथ ही रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भी लागू रहेगी। राज्य के 9 जिलों में NYKS के अंतर्गत सरकारी नौकरी का अवसर। बिहार के 9 जिलों में नेहरू युवा केंद्र संगठन के अंतर्गत जिला योजना पदाधिकारी की बहाली की जा रही है। इसके तहत बेगूसराय, भोजपुर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, समस्तीपुर, सारण, दरभंगा और कैमूर जिले में बहाली होनी है। इन अधिकारियों का काम गंगा की स्वच्छता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य और गतिविधियों को संचालित करना है। खास बात यह है कि भर्ती के लिए कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, केवल साक्षात्कार के आधार पर इन पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास होना है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को कंप्यूटर और कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है। अधिकतम 35 वर्ष की उम्र सीमा वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को ₹33,000 हर महीने का फिक्स्ड मानदेय मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी 28 मार्च तक NYKS की आधिकारिक वेबसाइट nyks.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। विख्यात ब्रह्मपुर पशु मेला में कई राज्यों से जुट रहे हैं घोड़ा व्यापारी। बक्सर में हर साल लगने वाला मशहूर ब्रह्मपुर का फागुनी पशु मेला अपने परवान पर है। 8 दिनों तक चलने वाले इस मेले में अब सभी नस्लों के घोड़े पहुंच गए हैं। मेले की शुरुआत फागुन महीने के महाशिवरात्रि को हुई थी। इस बार इस पशु मेला में पटना, गया, गाजीपुर से आए हुए घोड़ा लोगों को काफी पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि यह पशु मेला मुगल काल से ही चला आ रहा है। घोड़े के शौकीन आज भी इस मेले में हजारों किलोमीटर दूर से चले आते हैं। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के कई क्षेत्रों से घोड़ा व्यापारी घोड़ों की खरीद व बिक्री करने के लिए इस मेले में आए हुए है। बिहार पुलिस के स्पेशल ब्रांच का होगा अपना कैडर। बिहार में आपराधिक मामलों के नियंत्रण के लिए बिहार पुलिस में गठित होने वाले स्पेशल ब्रांच के लिए सरकार ने अलग से नियुक्ति करने का फैसला किया है। इसके तहत पुलिस से अलग इस स्पेशल ब्रांच का अपना अलग कैडर होगा, यानी कि स्पेशल ब्रांच के लिए सिपाही और सब इंस्पेक्टरों की अलग से बहाली होगी और इसमें ज्वाइन करने वाले यहीं से रिटायर भी होंगे। बता दें कि स्पेशल ब्रांच बिहार की इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसको सशक्त बनाने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। इसके साथ ही स्पेशल ब्रांच में बहाल किए गए दारोगा,
प्रमोट होकर एडिशनल एसपी के पद तक जा सकते हैं, जबकि आमतौर पर बिहार पुलिस में दारोगा का प्रमोशन डीएसपी स्तर तक ही होता है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस में यह बदलाव पहली बार होगा। आने वाले 3 सालों में अतिक्रमण मुक्त हो जाएंगे सभी तालाब। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अगले 3 सालों में राज्य के सभी तालाब अतिक्रमण मुक्त हो जाएंगे। विधान परिषद में यह मामला उठने के बाद पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने बताया कि सरकार के अधीन 30,672 तालाब है, जिनमें से लगभग 9,000 तालाबों पर अतिक्रमण है। इनमें से अब तक 531 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, जबकि अन्य अतिक्रमित तालाबों के लिए सभी जिलों को निर्देश भेजकर काम शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि तालाबों के अतिक्रमण होने से मछली पालन और सिंघाड़ा पालन में काफी परेशानी आती है। इसके साथ ही मवेशियों को पानी पीने की भी समस्या आ जाती है। राज्य में बनाए जाएंगे 139 वृद्ध जन आश्रय स्थल। समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य में बूढ़े असहाय लोगों की समुचित देखभाल के लिए जल्द ही 139 वृद्ध जन आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। इसके तहत सभी जिला मुख्यालय में बूढ़े असहायों के रहने के लिए 50-50 बेड की 2 यूनिटें लगाई जाएंगी। वहीं सभी अनुमंडल में 50 बेड की 1 यूनिट का वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। इन केंद्रों पर बुजुर्गों के रहने व समुचित चिकित्सा से लेकर सभी स्तर की देखभाल करने की सुविधा होगी। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग के बजट के अनुसार राज्य ने 51 स्थानों पर बेसहारा दिव्यांगजनों, मंदबुद्धि व लाचार बच्चों की देखभाल के लिए भी विशेष केंद्र बनाए जाएंगे, जहां उन्हें सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाएगी। पंचायती राज विभाग में 9,000 क्लर्क के पदों पर होगी भर्ती। बिहार में आने वाले समय में ग्राम पंचायतों में कई बहालियां होने वाली है। सरकार के पंचायती राज विभाग में 9,000 क्लर्कों की बहाली की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव बनाया जा रहा है। फिलहाल इन पदों के सृजन की सभी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, जिसके बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा, जिसके बाद स्वीकृति मिलने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत के कार्यालय में लिपिकों की कमी है, जिस कारण कागजातों व खर्च आदि का रिकॉर्ड रखने में परेशानी आ रही है। इसके तहत इन सभी 9,000 पदों पर स्थायी रूप से नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि अभी तक पंचायतों में सिर्फ पंचायत सचिव ही हैं जो स्थायी रूप से बहाल है, जबकि पंचायत सचिव और अंकेक्षक के भी अधिकांश पद खाली हैं, जिसे देखते हुए विभाग द्वारा इन पदों पर भी ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में स्थायी नियुक्ति की जाएगी। दिनकर की नगरी सिमरिया की बदलेगी सूरत। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय के सिमरिया गांव के लोगों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने राष्ट्रकवि दिनकर को सम्मान देने के लिए उनके गांव सिमरिया के स्टेशन की रूपरेखा को सवारने का फैसला किया है। इस फैसले के अनुसार सिमरिया ग्राम स्टेशन की दीवारों पर दिनकर की कविता रश्मि रथी की पंक्तियों को उकेरा जाएगा। लोग जब सफर के दौरान स्टेशन पर जाएंगे तो उन्हें अपने प्रसिद्ध कवि की स्मृतियों का एहसास होगा। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे ने साहित्यकारों को सम्मान देने के लिए उनसे संबंधित स्टेशनों पर उनसे जुड़ी रचनाओं को उकेरने की तैयारी में है। इसके तहत समस्तीपुर में विद्यापति की रचना और सहरसा के गांव महेशी में विद्वान मंडन मिश्र की रचना को दीवारों पर देखने को मिलेगा। बिहार में शहर से गांव तक बढ़ सकते हैं जमीन के दाम। राज्य में जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। सूबे में जमीन की कीमत अब पहले से ज्यादा महंगी हो सकती है। राज्य सरकार शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक के सर्किल रेट में इजाफा करने की तैयारी में है। इसके तहत 30-50% तक सर्किल रेट बढ़ा दिए जाएंगे। वहीं नए नगर निकाय क्षेत्र में भी 2% रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने का फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार में सर्किल दर से 2 गुनी कीमत पर जमीन की खरीद बिक्री हो रही है, जिस कारण सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से अगर सर्किल रेट को बढ़ा दिया जाता है तो जमीन के दाम भी महंगे हो सकते हैं। नए सर्किल रेट के बाद जमीन की खरीद बिक्री पर शहरी क्षेत्र में 10% और गांव में 8% रजिस्ट्री चार्ज बढ़ सकते हैं। छोटे लालू के नाम से चर्चित आरजेडी कार्यकर्ता की हुई जमकर पिटाई। राजद सुप्रीमो लालू यादव की आवाज की नकल करने वाले आरजेडी कार्यकर्ता और छोटे लालू के नाम से चर्चित कृष्णा यादव की बीते दिन सोमवार को कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इस घटना में कृष्णा बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसका इलाज चल रहा है। दरअसल कृष्णा सोनपुर के राहर दियारा क्षेत्र के रहने वाले हैं। यह घटना तब घटी जब वे राहर दियारा में छात्र राजद के पंचायत कार्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। छोटे लालू यादव उर्फ कृष्णा यादव ने अपने बयान में बताया है कि वह एक पार्टी कार्यकर्ता के पंचायत कार्यालय के उद्घाटन से लौट रहे थे। इसी बीच स्कॉर्पियो पर सवार कुछ लोगों ने लाठी डंडे से पिटाई कर गंभीर रूप से उन्हें घायल कर दिया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने दागे सवाल। बिहार विधान परिषद में स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जमकर सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी दावों पर सवाल खड़े किए। इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने सरकारी अस्पतालों की स्थिति, डॉक्टरों की कमी और स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में बिहार पहले से बेहतर की स्थिति में है। मंगल पांडे ने दावा किया कि एक साल में 13,000 से ज्यादा पदों पर ANM और GNM के साथ ही बड़ी संख्या में मेडिकल ऑफिसर बहाल किए गए
गया है। वहीं उल्टे विपक्ष को घेरे में लेते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अगर डॉक्टरों की कमी है तो इसके पीछे की वजह पूर्ववर्ती सरकारें हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज स्थापित करने पर ध्यान ही नहीं दिया। मंगल पांडे ने कहा कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं और आने वाले 4 सालों में बिहार में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 28 हो जाएंगी। ईशान किशन की उपलब्धि के लिए राज्यपाल और सीएम ने दी बधाई। बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ 32 गेंद में 56 रन बनाकर दूसरे T20 मैच में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाते हुए अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज किए। ईशान को अपने शानदार प्रदर्शन के लिए लगातार बधाइयां मिल रही है। वहीं इसी क्रम में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन पर हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि इस युवा क्रिकेटर ने T20 के पहले मुकाबले में ही 56 रनों की आतिशी बल्लेबाजी से भारत को विजय दिलाते हुए मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। ईशान के प्रदर्शन से युवा खिलाड़ी भी प्रेरणा ग्रहण करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने भी फोन कर ईशान के पिता को बधाई दी और कहा कि पूरा देश युवा खिलाड़ी के प्रदर्शन से गौरवान्वित है। ऑस्कर की लिस्ट से बाहर हुई शॉर्ट फिल्म बिट्टू। शॉर्ट फिल्म बिट्टू 93 ऑस्कर अवार्ड्स की लिस्ट से बाहर हो गई है। बता दें कि यह फिल्म लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन न्यूयॉर्क में रहने वाली भारतीय फिल्म मेकर करिश्मा देव दुबे ने किया था। 17 मिनट की शॉर्ट फिल्म बिट्टू ऑस्कर अवार्ड्स के लिए अंतिम 5 में अपनी जगह बनाने में नाकाम साबित हुई। ऑस्कर अवार्ड्स की लिस्ट में यह फिल्म भले ही बाहर हो गई है लेकिन कई अवार्ड इसके नाम है। इस फिल्म को 18वें फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जा चुका है। वहीं इस फिल्म के लिए करिश्मा देव दुबे को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्म बिट्टू को एकता कपूर, गुनीत मोंगा और ताहिरा कश्यप ने प्रस्तुत किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए सरकार का होली मिलन पर रोक लगाने का फैसला सही है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।